नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीकोड आईएएस के लिंकिंग द जनरल स्टडीज़ के एक फाउंडेशन में। यहाँ पे हम लोग अलग अलग जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स को डील करेंगे और कोशिश करेंगे कि इनको एक दूसरे के साथ किस तरीके से लिंक किया जाए। सो इससे फ़ायदा ये होगा कि जितने सारे मेरे दोस्त और एस्पिरेंट्स यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन देना चाहते हैं, इनको मदद मिलेगी कि इनका जो जीएस का पेपर होता है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो या वो मेंस का हो, अक्सर क्वेश्चंस जो हैं वो लिंक करके दिए जाते हैं। तो जिस एस्पिरेंट को लिंकिंग आ गया है, जिस एस्पिरेंट के अंदर एक मल्टीडिसिप्लिन जो हम लोग बात करते हैं जनरल स्टडीज़ में, वो आ चुका है, जिसके पास एक मल्टीपल अप्रोच आ चुका है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए आज हम लोग इंडियन पॉलिटी को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, जिसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स या अदर एस्पेक्ट्स, आई कैन से कि जितने सारे अदर एस्पेक्ट्स हैं ऑफ जनरल स्टडीज़, इसको हम लोग लिंक करते हुए आगे बढ़ेंगे, जिसके अंदर कुछ करंट अफेयर्स भी हो सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी की इस सफ़र में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी जो है, इंडियन पॉलिटी के ऊपर कई सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, लेकिन उन सब में एक चीज़ जो मुझे एज एन एस्पिरेंट कई बार ख़राब लगता था, या आई वुड से मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आती थी, वो ये है कि अक्सर जो किताबों में लिखा रहता है एग्जैक्टली वही चीज़ को बताया जाता है और वही चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। कई चैनल्स में ऐसे भी हैं जहाँ पे पीडीएफ्स, सेम टू सेम किताब के पीडीएफ्स को एक्सप्लेन किया गया है। इसमें कोई अच्छी बात या बुरी बात नहीं है, लेकिन ये पैटर्न से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, क्योंकि क्वेश्चन जो है उस पैटर्न से पूछे नहीं जा रहे थे। जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले स्लाइड में दिखाया कि एक मल्टीपल अप्रोच वाली जो एस्पेक्ट है, मल्टी डिसिप्लिन वाली जो एस्पेक्ट है, वो नहीं मिल पा रहा था। तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि इस इंडियन पॉलिटी को एक लेमैन की तरह समझते हैं, एकदम एक लेमैन की तरह समझते हैं, कि एक लेमैन इंसान जो है जब ये इस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा तो कैसे समझेगा। तो दोस्तों, इंडियन शब्द से तो एक नेशन के बारे में बताया जा सकता है, एक टेरिटरी के बारे में बताया जा सकता है, और उस टेरिटरी में बसे हुए लोगों के बारे में बात हो सकता है, और ये सब कुछ जो है एक स्टेट या एक नेशन स्टेट हम कह सकते हैं। इंडियन शब्द से ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें एक नेशन के बारे में बात हो रही है, जिसके अंदर ये नेशन स्टेट आप कह सकते हैं, ये नेशन शब्द जैसे ही जुड़ जाता है एक टेरिटरी के साथ, तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन के अंदर इस पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए एक फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाता है, जहाँ से नेशनलिज्म जो है, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नेशनलिज्म एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बिना आपका ये नेशन स्टेट कभी फॉर्म नहीं हो सकता, और ये नेशनलिज्म की जो फीलिंग है इस पॉपुलेशन के अंदर आनी चाहिए जो कि इस टेरिटरी के अंदर रहती है। ठीक है, और अब बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी को ऐसा कहा जा सकता है, इट्स एप्लीकेशन आई वुड से द प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट होता है, किस चीज़ का, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अगर आपको जानना है तो आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन के स्टैटिक पोर्शंस को भी बहुत बारीकी से समझने का मौका मिलता है, और साथ ही साथ किस तरीके की इनकी एप्लीकेशन होती है इसको भी हम लोग जान सकते हैं। और जैसे ही हम एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के एप्लीकेशन को समझने की कोशिश करते हैं, तो इस एप्लीकेशन के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। एक कि एप्लीकेशन कहाँ हो रहा है, सोसाइटी, जिस सोसाइटी के ऊपर ये अप्लाई हो रहा है उस सोसाइटी के अंदर उसकी स्थिति क्या है, क्या उसमें चेंजेस आ रहा है, ये सारी तमाम चीज़ों को देखा जाता है। दूसरा एप्लीकेशन आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो है उस सोसाइटी या उस लोकेलिटी की पॉलिटिक्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हर वो चीज़ जो हम करते हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल ज़रूर होता है। चाहे आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई सर्विस कर रहे हो, चाहे आप घर पे बैठ के खाना खा रहे हो, चाहे आप कोई टेलीविजन चैनल पे कोई न्यूज़ देख रहे हो या कोई सीरियल देख रहे हो, हर जगह पे कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट जो है वो खुल ही जाता है। हमारा जीवन जो है, हमारा लाइफ जो है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के साथ इंटरमिंगल्ड है, जस्ट लाइक ए कॉइल, आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो अगर हम लोग अब समझने की कोशिश करें भारतीय पॉलिटी का मतलब क्या हुआ, फिर भारतीय पॉलिटी का मतलब वो भारत एक ऐसा राज्य, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा नेशन जिसके अंदर एक स्पेसिफिक टेरिटरी है, एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन है, जिस पॉपुलेशन के अंदर एक फेलो फीलिंग है, जिस वजह से एक नेशनलिज्म का ग्रोथ होता है, और उसी से इंडिया जो है एक नेशन स्टेट बनता है। और उस नेशन स्टेट के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशन का गठन किया गया था, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और उसकी कुछ स्टैटिक प्रोविजंस को पढ़ने का मतलब होता है इंडियन पॉलिटी। अब सवाल ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो एक बड़ा सा शब्द आया हुआ है हमारे सामने, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, इस कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से ही शुरू किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के मतलब से। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक इंसान घर खरीदता है, एक प्लॉट खरीदता है मान लेते हैं, तो इस प्लॉट के अंदर कहाँ पे गेट होगा, कहाँ पे इस दीवारें होंगी, किस किस्म की वो प्लॉट से आप घर बनाएंगे, कहाँ पे आप लॉन बनाएंगे, ये सब कौन डिसाइड करके देता है कि यहाँ पे लॉन बनाएंगे, यहाँ पे घर बनाएंगे, यहाँ पे मेन एंट्रेंस बनाएंगे, ये कौन बताता है? ये बताता है आर्किटेक्ट। तो आर्किटेक्ट क्या करता है, इस पर्टिकुलर लैंड के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ पे होगी, यानी कि मैपिंग कर देता है, जिससे चीज़ें एकदम एफिशिएंटली आप इसी रिसोर्स को यूज़ कर सको, मोस्ट इफेक्टिव होती है, और ये तभी हो पाती है क्योंकि एक प्रॉपर आदमी, क्वालिफाइड आदमी एक तरीके की मैपिंग कर रहा है। ठीक वैसे ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये एक एनालॉजी है
आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक आर्किटेक्चर, एक ग्रुप ऑफ आर्किटेक्ट्स ने बनाया है, जिसका नाम हम लोग ऐसे समझने के लिए कह सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया है। ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया। अभी ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है इसके बारे में हम लोग कुछ ही देर में चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है दोस्तों जिसको बनाया गया है ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है क्या चीज़ ना, ये एक ऐसा किताब है, ये एक ऐसी किताब है जिसको हम कह सकते हैं एक सॉर्ट ऑफ रूल बुक है, एक रूल बुक है, ऐसा भी कह सकते हैं, ये एक ग्रंड नॉर्म है, एक सुप्रीम लॉ, एक सुप्रीम आई वुड से एक सुप्रीम गाइडलाइंस या एक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, आप ऐसा कह सकते हैं। तो एक ऐसी गाइडलाइन की किताब, एक ऐसी रूल बुक है, सुप्रीम रूल बुक है, जिसके अंदर देश को चलाने के लिए एक फ्रेमवर्क बताया गया है, एक फ्रेमवर्क बताया गया, फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस ये बताया गया है, और इसके अंदर ये बताया गया है कि पावर जो है वो किस तरीके से मैप करा जाएगा, पावर मैपिंग बताया गया, मतलब कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट ऐसी चीज़ एक होगी, एक प्रोविंशियल या स्टेट गवर्नमेंट एक ऐसी चीज़ होगी, इन दोनों के अंदर किस किस्म के पावर्स रहेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर ये लोग डील करेंगे, क्या यहाँ पे कोई हायरार्किक सिस्टम होगा कि नहीं होगा, ये तमाम चीज़ें अल्टीमेटली गवर्नेंस में फायदा करती हैं। तो ये पावर मैपिंग का काम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, और ये एक सुप्रीम लॉ है, एक ग्रंड नॉर्म है, ग्रंड नॉर्म को आप आसानी से समझ सकते हैं, एक तरह का एक सुप्रीम लॉ है। इसका मतलब यह है कि 1950 में जब हमारा संविधान बना था, जिसने हमें एक फ्रेमवर्क दिया था जो कि एक ग्रंड नॉर्म है, एक सुप्रीम लॉ है, इसका मतलब यह कि 1950 के बाद से जितने सारे हमारे देश में लॉ बनेंगे वो इस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर बनेंगे। इसकी जो कोर वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर कुछ जो कोर वैल्यूज़ दी गई हैं जो कि इंडिया के फिलोसॉफी को बताता है, इंडिया के नेचर को बताता है, तो अगर कोई ऐसा लॉ निकलता है 1950 के बाद जो कि इस फिलोसॉफी के अगेंस्ट में है, तो वैसे लॉज जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि रद्द कर दिए जाएंगे। इस हिसाब से ये एक ग्रंड नॉर्म है, एक सुप्रीम लॉ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें वो बेसिक फ्रेमवर्क देता है फॉर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए पावर मैपिंग करके देता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सामने कुछ कोर वैल्यूज रखता है और बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। तो टेक्निकली स्पीकिंग ये एक देश को चलाने के लिए अहम किताब है, और ये अहम किताब जिस देश में लागू होता है क्या उसी देश के लोगों को बनाना चाहिए या कोई विदेशियों को किसी पर्टिकुलर देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए? ऑब्वियसली अगर हम फिलोसफी की बात कर रहे हैं, कोर वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन के गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो भाई वहाँ के लोगों के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स, उनके सोल्यूशन, उनके तरह के सोल्यूशंस, उनके पैटर्न में सोचना, उसकी तरह उनके जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यू सिस्टम को समझना, ये सब के लिए वहाँ के लोगों का होना जरूरी है इन द कॉन्स्टिट्यूशन में की। तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ, हमारा जो पॉलिटिकल जो डिस्कशन है वो थोड़ा सा मुड़ने वाला है, जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत जो है ये आप कह सकते हैं आफ्टर 1707 जब से औरंगजेब का डेथ हुआ है, तब से ये जो पैन इंडिया में जो मुगल एम्पायर थी, ये मुगल एम्पायर स्लोली स्लोली डीजनरेट करने लगती है, इसकी पकड़ लूज होने लगती है, जिसके वजह से कई सारे रीजनल पावर्स को ऐसा लगता है कि ये उनके लिए एक सुनहरा मौका है कि वो खुद अब पैन इंडिया के पोजीशन में आ जाए बाय रिप्लेसिंग द मुगल्स। और इनमें से अव्वल नंबर पे थे एग्जांपल के तौर पे मराठास, लेकिन किस्मत इनकी ख़राब इसलिए हो गई क्योंकि एक तो इनके अंदर कोई यूनिटी नहीं है, और दूसरी चीज़ ये है कि बाय द टाइम बंगाल में बैटल ऑफ पलासी जो कि 1757 में हुआ, और बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में हुआ, इन दोनों के बाद ये बंगाल जो राज्य है, जो प्रोविंस है, ये सबसे धनी, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोविंस हुआ करता था पूरे भारत में। और ये दोनों लड़ाइयाँ 1757 1764 दोनों ही औरंगजेब की मृत्यु के काफ़ी साल बाद अंग्रेज़ों ने इन दोनों लड़ाइयों को जीत लिया, और इस बंगाल पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो झंडा है वो लहराने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल गया कि इनको अगर मॉनेटरी बेनिफिट्स चाहिए, अगर इनको मनी जो है, जो इनका मेन एजेंडा है, इसको अगर इनको बढ़ाना है इफेक्टिवली, तो इंडिया के अंदर इनका पॉलिटिकल जो होल्ड है इसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल होल्ड बढ़ाने का तरीका एक ही है कि आप एक एक करके इस तरीके से रीजनल पावर्स को अपने कंट्रोल में करें, जैसे कि उन्होंने बंगाल से शुरू किया और ये चलता रहा। ये उसके बाद महाराष्ट्र को कैप्चर करेंगे, यानी कि मराठास को कैप्चर करेंगे, फिर मैसूर को करेंगे, हैदराबाद को करेंगे, और स्लोली स्लोली बहुत सारे इवन सिक्स तक को भी वो नहीं छोड़ेंगे। तो जैसे जैसे ये चलता रहा, उसके बाद एक स्थिति ऐसी बनी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको कभी एक टाइम पर 1600 में क्राउन ने ये मोनोपोलिस्टिक एक पावर दिया था, एक लाइसेंस सॉर्ट ऑफ दिया था कि आप जाकर के, यानी कि ये कंपनी जाकर के, एक प्राइवेट कंपनी आफ्टर ऑल, एक प्राइवेट कंपनी जो है, इसको परमिशन दिया गया था कि ये जाकर के इंडिया में ट्रेड कर सकती है, और किसी कंपनी को नहीं दिया गया, दैट इज व्हाई इट वाज मोनोपोलाइज्ड। अब ये 1600 की बात है, 1600 से आप यहाँ पे कंपनी के सामने 1600 लिखिए, 1600 से 1757 या 1764 कर दीजिए। ऐसे स्थिति में कंपनी की पकड़ जो है वो ना ही सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट में रहा है बल्कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी इनका पकड़ बनता जा रहा है। लेकिन जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसकी स्थिति जो है, इसका जो मतलब बैलेंस शीट है, ये बहुत ही ख़राब परफॉर्मेंस दिखा रहा है। हालांकि इनके कंपनी के जो मालिक हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इनको मॉनेटरली काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, लेकिन इनकी बैलेंस शीट कहानी कुछ और बता रही है।
और इस स्थिति को देखते हुए क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर थोड़ी सी पकड़ बनाने की सोची। उनको लगा कि काफ़ी ज़्यादा ही हमने इनको छूट दे रखी है, विच वॉज ट्रू। और साथ ही साथ एक और चीज़ का जरूरत ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने आया, एक सॉर्ट ऑफ चैलेंज आप कह सकते हैं। पहला चैलेंज तो यही था, जैसे मैंने बताया कि एक हैवी करप्शन आपको ईस्ट इंडिया कंपनी में दिखने लगेगा, और इसी की वजह से ये 1773 ऑनवर्ड्स ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर रेगुलेटिंग एक्ट्स या रेगुलेशंस जो हैं ये लागू होते रहे, ये लागू होते रहे। और साथ ही साथ इस समय काल के दौरान इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो भी इंग्लैंड में यानी कि यूरोप में बढ़ चढ़ कर बोल रहा था। और जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा तो बहुत सारे कंपनीज आएंगी, और वो कंपनीज इस 1600 के चार्टर के अनुसार जो मोनोपोली दी गई थी इससे खुश नहीं होगी। तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से देयर आर मेनी न्यू कंपनीज जो कि अंग्रेजों की दी गई इस 1600 चार्टर के अंदर जो मोनोपोली है इसको रद्द करने की मांग करती है, ताकि ये लोग भी ईस्ट के साथ यानी कि इंडिया एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सके। और ये दोनों को मिलाएं अगर आप, एक तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंपैक्ट और साथ ही साथ हैवी करप्शन इन ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर इन दोनों फैक्टर्स को मिलाया जाए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से स्लोली स्लोली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपना पकड़ अपना होल्ड जो है वो खोती रही, और किस तरीके से इंस्टेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी गेटिंग देयर होल्ड ऑन इंडिया यहाँ पे क्राउन का होल्ड यानी कि डायरेक्टली इंग्लैंड का होल्ड जो है वो भारत पे बढ़ता रहा। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि 1773 ऑनवर्ड्स रेगुलेटिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को इट वॉज अ नेसेसिटी फॉर द ब्रिटिश क्राउन, ये एक नेसेसिटी बन गया था ब्रिटिश क्राउन के लिए। इसीलिए ब्रिटिश क्राउन चाहती थी कि पूरे जो बागडोर है ये एक सेंट्रलाइज्ड हाथों में रहे। सो सेंट्रलाइजेशन बिगैन विथ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। और ये सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता रहा, बहुत सारे एक्ट्स बने इन बिटवीन, जैसे पिट्स इंडिया एक्ट 1833 का चार्टर, 1853 का चार्टर। सो 1853 में जो चार्टर बनाया गया, इस चार्टर के बाद फाइनली चार्टर एक्ट के बाद फाइनली ये सेंट्रलाइजेशन जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट होने लगा। और उसके बाद एक चीज़ देखी गई कि इसी चार्टर एक्ट में हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बनाए गए, जो बेंटिक साहब थे, विलियम बेंटिक, इनकी गवर्नर जनरलशिप के अंडर में काफ़ी सारी चेंजेस इंडियन सोसाइटी में पड़ी, चाहे वो सोशल चेंजेस की आप बात करें, चाहे आप कल्चरल चेंजेस के बारे में बात करें, चाहे आप पॉलिटिकल चेंजेस के बारे में बात करें या इकोनॉमिक चेंजेस के बारे में बात करें, हर जगह में काफ़ी सारी चेंजेस सोसाइटी में देखने को मिली अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट वाज 1853 में विलियम बेंटिक। इस हर एस्पेक्ट में, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, इकोनॉमिक हो, हर एस्पेक्ट में एक चीज़ कॉमन थी और वो था एक्सप्लॉयटेशन। ये जो एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर है ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो गया था। किसके सामने विजिबल हो गया था? इट वॉज विजिबल फॉर द इंडियंस, ये काफ़ी क्लियर हो गया था। और इसी के चलते हमारे सामने इसके विरुद्ध में, इस पर्टिकुलर एक्ट के विरुद्ध में या इस पूरे कैरेक्टर के विरुद्ध में, आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर जाता है, एक थ्रेशोल्ड मार्क होता है हर एक के जीवन में, तो वो क्रॉस कर जाता है हिस्ट्री में भी। और हम लोग विटनेस करते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली रिवोल्ट थी, इससे पहले भी काफ़ी सारे रिवोल्ट हुए हैं प्री 1857 रिवोल्ट। उसको हम लोग अलग अलग रिवोल्ट्स को कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे सिविल अपराइजिंग्स बहुत सारे हुए हैं, मिलिट्री अपराइजिंग्स बहुत सारे हुई हैं, ट्राइबल अपराइजिंग्स बहुत सारे हुए हैं। और ये सारे अपराइजिंग्स जो हैं, ये अपराइजिंग्स एक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ये सब कुछ जो है सोसाइटी में जो चेंजेस हो रहा है, इन सब का इम्पैक्ट जो है इंडिया के पॉलिटिकल लाइफ में भी हो रहा है। और ये इम्पैक्ट जो दिख रहा है, इसी से या इसी पे फाउंडेशन स्टोन्स अगर हम एक एक करके रखें, तो आज के प्रेजेंट डे का कॉन्स्टिट्यूशन जो आज का तारीख का है, हम लोगों ने यहाँ से भी कई सारी चीज़ें सीखी हैं। और इसी के बेसिस पे आगे चल के जब 1858 ऑनवर्ड्स एक्ट्स बनाए जाएंगे टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ इंडिया डायरेक्टली बाय द क्राउन, तो हम देख सकते हैं कि इस पूरे एपिसोड को जैसे जैसे ये ऑर्गेनिकली ग्रो होगा, वैसे ही वैसे हमारे इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में भी ग्रोथ दिखेगा, और सेम टू सेम इम्पैक्ट हमें हमारे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल हिस्ट्री या उसकी डेवलपमेंट में आपको दिखेगा। तो समझने की कोशिश करते हैं कि इन सब के बाद 1946 का साल जब कैबिनेट मिशन प्लान हम लोगों के सामने अंग्रेजी सरकार ने रखा, तो इस प्लान के मुताबिक हमें यानी कि भारतीयों को एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका मिला। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में
लीगली बनाने का मौका हमें मिला, लेकिन इससे पहले इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड 1934 में हमारे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट लीडर आप कह सकते हैं एम एन रॉय साहब ने ऑलरेडी मांग करी थी। उसके बाद 1938 में हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करी थी। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग कर रहे हैं ऐसा 1934 से चला आ रहा है, जबकि इनको मिलता है वो अधिकार 1946 में, तो इतने सालों तक क्यों नहीं मिलता है? ऐसा क्या है इस असेंबली में जिसको बनने देने की इजाज़त इन लोगों को इतने सालों तक करनी पड़ी, जिसको बनने देने की इजाज़त हम लोगों को मिलते मिलते इतने साल गंवाने पड़े? तो इस चीज़ को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पर्पज़ क्या है। देखिए, ये पर्पज़ यह है कि यहाँ ये जो असेंबली बनाई जाएगी इस असेंबली के अंदर ही हमारे देश का यानी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लिखा जाने वाला था। और जाहिर सी बात है फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग शामिल होंगे वो इंडियंस ही होंगे। अब इंडियंस अपने लिए खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वाले हैं, यानी कि इंडियनाइजेशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में, या कॉन्स्टिट्यूशन भारतीयों के द्वारा बनाई जानी चाहिए, ऐसा डिमांड अगर 34 में रखा गया है, और जब पहली बार रखा गया था जिस समय अंग्रेजों का कोई उद्देश्य नहीं था भारत को छोड़ के जाने का, उस समय जाहिर सी बात है इस चीज़ की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया गया होगा। लेकिन 46 में हालात बदल चुके हैं 46 में वर्ल्ड वॉर टू के बाद अंग्रेजी सरकार का सिचुएशन काफी खराब हो चुका है, अंग्रेजी सरकार भी बदलने वाली है, बदल चुकी है, क्लिमेंट एटली साहब सामने आ रहे हैं, लेबर पार्टी जीत चुका है, तो बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल एस्पेक्ट में चेंज हो चुकी हैं। फलस्वरूप हमें 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका मिलता है और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडियंस लोग ही शामिल होंगे। दूसरी चीज़ ये बताई गई थी कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी ये आप इंडियंस मिलकर बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऐसा नहीं है, यानी कि यहाँ पे अखंड भारत यूनिफाइड इंडिया का रिप्रेजेंटेशन इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में किया जाएगा, ऐसा कैबिनेट मिशन प्लान ने कहा। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हमें मिला क्या क्या? प्रमुख रूप से हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से तीन चीज़ें जानने को मिली। सर्वप्रथम यह है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो 1946 के 9th दिसंबर में हुई थी, और उसके बाद इसके अंदर एक एक करके बहुत सारे मेजर और माइनर कमिटीज़ बनाए गए थे, और एक कमिटीज़ जो हैं उनमें से एक मेजर कमेटी थी द ड्राफ्टिंग कमेटी। अब दोस्तों ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इट वॉज चेयर्ड बाय, यानी कि इसके जो चेयरमैन थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव वीआर अंबेडकर। अब समझने वाली बात यह है कि इसके अलावा हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन देखने को मिलता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रपोज किया था, और इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे हमारा आज का प्रेजेंट प्रियम्बल इसी के ऊपर टिका हुआ है। तो आज का प्रेजेंट प्रियम्बल का फाउंडेशन ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ऐसा कहां जा सकता है? तीसरी बात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये थी कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग जैसी प्रमुख इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने इसी असेंबली में अडॉप्ट किया था। All of them were adopted in the Constituent Assembly. अब ये जो preamble है ये हमारा Constitution या Polity पढ़ने की शुरुआत है। तो आप लोगों को इस तरीके से फ्लो चार्ट में आगे बढ़ना है। अभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या किया, 2 साल 11 महीने और कुछ 18 या 19 दिन लगा दिए एक Constitution बनाने में, और जब ये पूरा Constitution बन गया उसके बाद later on preamble को add किया गया, ताकि preamble के अंदर वो सारी चीज़ें रह सके जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, टू मेक प्रियम्बल इंक्लूसिव इन ऑल रिस्पेक्ट, इसीलिए इसको लेटर एंड में जोड़ा गया। प्रियम्बल एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों ने एज ए कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो ये हम लोगों ने लिया है यूएस के मॉडल से, लेकिन प्रियम्बल के अंदर आपको बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन का छवि आपको उसकी उनका जो फिलोसफी वो देखने को मिलेगा। प्रियम्बल के अंदर दूसरे कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन की आपको फिलोसफीज देखने को मिलेंगी, जैसे यूएसएसआर का देखने को मिलेगा जब यहाँ पे हम लोग फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, हमें फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा जब हम लोग लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रटर्निटी की बात करते हैं, हमें यूएस का देखने को मिलेगा ऑब्वियसली, तो टेक्निकली हमें यहाँ पे सोशल जस्टिस देखने को मिलता है। सो टेक्निकली इस प्रियम्बल के अंदर आपको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एज ए कॉन्सेप्ट प्रियम्बल जो है पहली बार यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिला था। अब यहाँ तक हम लोगों ने पॉलिटिकल और पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में समझ लिया। इसी फ्लोचार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगली क्लास में प्रियम्बल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।